आपके साथ क्यों रहना है? गलत किस्म के लोग चल कर आपकी सुंदरता का राज। ये जो मेकअप हो रखा है ये है मेरी सुंदरता का राज। कृष्णा की लाइफ की प्राची कौन है? शाम को 6 बजे बोलूंगा मुंबई यार, मैं घर के नीचे खड़ा हूँ और घूम के आते। शबीर सर वो ऑलरेडी देयर, शक्ति मैम वो ऑलरेडी देयर। कुछ बहुत होने के बाद भी स्थिर रहना, ये मैंने स्वीति मैम और शबीर सर से। मैं ये वाली जनरेशन चाहिए नहीं। थैंक्स, आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड। हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, स्वागत है आपका सेट पे चर्चा में। मैं हूं अमन गांधी और आज मेरे साथ है कृष्णा कौल, जो कि प्ले करते हैं रणबीर का कैरेक्टर इन अ शो कॉल्ड कुमकुम भाग्य। तो चर्चा शुरू करते हैं, वेट नहीं करते हैं, लेट्स चर्चा। कृष्णा कौल, वेलकम टू सेट पे चर्चा। थैंक यू सो मच मिस्टर अमन गांधी, माय फेवरेट ह्यूमन बीइंग। कैसी है जिंदगी, क्या चल रहा सब कुछ? वेरी गुड यार, वेरी कंटेंट, वेरी हैप्पी, ट्राइंग टू गेट बेटर एट थिंग्स। बड़ा मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट है ना सेट पे चर्चा की? तुम्हारी शक्ल देख के ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है मुझे, तुम्हारे चेहरे का नूर देख के मुझे एक्साइटमेंट हो रही है। अच्छा कह, मेरे को एक बात सुनने में आई है, किन्नी किन्नी सुन, किन्नी किन्नी लोग कृष्णा को किन्नी बुलाते हैं बाद में, व्हाट इज द बैक स्टोरी बिहाइंड इट? सी, जो बैक स्टोरी है वो इतनी बैक जाती है कि मुझे याद नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था। बट मेरे को घर वालों ने किन्नी किन्नी बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि मैं शायद एक छोटी किन्नी जैसा लगता भी था, बिकॉज आई वॉज वेरी स्मॉल। बट प्रॉब्लम क्या होगी, वो किन्नी रह गया। अब मैं जब किन ना हो गया ना, तब भी लोग मुझे किन्नी 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 बोलते हैं। तो आप लोगों को कैसे पता है कुमकुम भाग्य के सेट पे? यार एक्चुअली वेरी फनी स्टोरी, किसी को नहीं पता था, और मैं अक्सर किन्नी अपना बताता भी नहीं था नाम, क्योंकि किन्नी बहुत ही ऐसा छोटी बच्ची आ रही हो जैसे ऐसा लगता है। तो मेरे घर वाले आए थे, माय मॉम केम एंड माय डैड आल्सो केम, सो दे केम ऑन द सेट। जिस दिन वो सेट पे आए थे, हम वैनिटी में बैठे थे, और वैनिटी में बैठे बैठे उन्होंने मुग्धा के सामने मुझे, किन्नी इधर आओ, किन्नी कहाँ जा रहे हो? तो मुग्धा को पता चल गया, और मुग्धा ने मुझे चुपचाप किन्नी बोलना स्टार्ट किया, बहुत आराम आराम से, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, अरे किन्नी किन्नी किन्नी, और वो धीरे 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 ऐसे बदल गया कि मेरे डायरेक्टर मुझे किन्नी लेफ्ट में आ जाओ, मुझे लगता मेरे पापा आ गए। So she started this and were you okay with this? Na, I love it. मुझे इतना cute लगता है, but मेरा first impression जब किन्नी जाता है ना, कि किन्नी आ रहा है, लगता है किन्नी ना कोई हैंकी पैंकी का लड़का है। कुमकुम भाग्य पे yes, जब आए थे कुमकुम भाग्य, जब एंटर करे थे, शबीर सर वॉज ऑलरेडी देयर, शक्ति मैम वॉज ऑलरेडी देयर, तो ये एक तो प्रेशर ऑफ यू नो हैंडलिंग द ह्यूज लेगेसी, उन लोगों से फर्स्ट टाइम इंटरेक्शन हुआ होगा, या उन लोगों से फर्स्ट टाइम बात हुई होगी, या कैरेक्टर समझने के बाद उनका सीन हुआ होगा, हाउ डिड यू ब्रेक द आइस विद दीस टू एक्टर्स? ब्रेक द आइस करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। स्मृति मैम एंड शबीर सर, बोथ ऑफ देम दे आर पायनियर्स ऑफ एन एक्टर। अगर मैंने कुछ सीखा है तो मैंने अच्छाई, काइंडनेस, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार, कुछ बहुत होने के बाद भी स्थिर रहना, ये मैंने स्मृति मैम और शबीर सर से सीखा, ऑनेस्टली। और उनका ऑरा पता है कैसा है, तुम उनसे जाओ, वो तुम्हारी आंखों में देखेंगे, मुस्कुराएंगे, और तुम्हें ऐसे लगेगा वो तुम्हें बचपन से जानते। दिस वाज शबीर, यस, बट विद श्रुति। श्रुति मैम एक ऐसी इंसान है, आई एम श्योर तुम मिले होंगे। हां 100%। तुम उनसे मिलके अगर तुम उनके साथ 5 मिनट बिताओ ना, तुम्हें रियलाइज होता है कि ये जो है वो इस दुनिया की है ही नहीं, वो एक अलग दुनिया से है, मतलब एक ऐसी दुनिया से है जहाँ पे वो बहुत अच्छी है। मेरा और स्थिति मैम का पहली बार एक सीन था, तो स्थिति मैम और हम बैठे हुए थे और हमने बात करनी शुरू करी, एंड बात करते करते मैंने बोला, सो मैम हाउ डू यू बी सो नाइस एंड हाउ डू आई बिकम अ बेटर एक्टर? और मैं बहुत सीरियस था अपने काम को लेकर ना, कि मैम मुझे बताइए मैं लाइन किस तरीके से लूँ, क्या करूँ, हाउ डू आई बिकम अ बेटर एक्टर, प्लीज टेल मी। वो पता क्या कहते कहते, देखते जस्ट हैव फन यार। एंड देन इवेंचुअली आई रियलाइज्ड कि व्हेन यू आर वर्किंग आल्सो, जो उन्होंने बात करी थी कि आपको मजा आना चाहिए, हां इफ यू एंजॉयिंग योर वर्क, सो जो उन्होंने छोटी सी बात बोली थी, बट इट वाज सो लेयर्ड। जब तुम लोग आए थे तो उस टाइम पे मेरे को याद है, जब मैं ना जैसे अभी भी क्लिप देखते हैं हम दूसरे दूसरे शोज की, तो कुमकुम की जब क्लिप्स आती थी, नीचे बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि हमें ये वाली जनरेशन चाहिए ही नहीं। हाँ, यस यस, हमें शबीर जी छोड़ो ही मत, हमें वही चाहिए, ये नई जनरेशन हमें चाहिए नहीं। बिल्कुल, ऑब्वियसली दे मस्ट बी अफेक्टिंग यू ना एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, कि वो अफेक्ट कर रहे थे, डिड यू गाइस टॉक अबाउट इट विद दीस पीपल आल्सो, अगर हैंडल किया तो कैसे किया? सो ऑफ कोर्स, हाँ, जब दूसरी पीढ़ी आई थी, लोग पहली पीढ़ी से इतना ज्यादा अटैच थे कि उन्होंने साथ साथ इनकार कर दिया था कि हमें नई लव स्टोरी कुमकुम भाग्य में चाहिए। कुमकुम भाग्य हमारे लिए शबीर सर, स्थिति मैम ही, जो कि हमें समझ में आता है। ऑफ कोर्स वी सी दे हैव अ ह्यूज फैन फॉलोइंग एंड दे वेल डिजर्व्ड, दे डिजर्व इट ऑफ कोर्स। पर उस वक्त जब ये ट्रोलिंग वगैरह हो रही थी, मैं सच बता रहा हूँ, मैं इतना खुश था नामन, ये काम जो मैं कर रहा था, एक दिल्ली का लड़का जो कुछ भी नहीं है, वो आज उसके आसपास अगर 20 लोग हैं जो उसको बोल रहे कैसे हैं सर, आप पानी पियेंगे सर, मेरे लिए वो इतनी बड़ी खुशी थी ना ब्रो, कि मुझे लग रहा था कि आसपास पीठ पीछे अगर कुछ ऐसे 1% लोग हैं जिनको मैं पसंद नहीं आया, जो मुझे ट्रोल करना चाह रहे हैं, जो मुझे कह रहे हैं नहीं चाहिए नहीं चाहिए तुम जाओ यहाँ से, और ट्रोलिंग टू अनदर लेवल, मतलब मैंने खुद कॉमेंट्स किया, वाज हार्श बट इट नेवर फेल्ट हार्श।
बिकॉज जहां से चाकू चल रहा था ना, वहां से ये काम इतना मरहम लगा रहा था, इतना प्यार दे रहा था, इतने अच्छे लोग थे, सच गुड मेंटल स्टेट्स दैट वी हैड, यूज्ड टू लाफ अबाउट इट. बस अच्छा, बेस्ट सीन जो तुमको याद हो कुमकुम भाग्य में जो परफॉर्म कर रहा हूँ. ओके, बिफोर लीव आफ्टर लीव, ऐसा एक सीन था जिसमें मैं घर लौट के आता हूँ, प्राची मेरे साथ होती है, लीप के पहला लीप हो चुका था, मैं और प्राची शादी करके किसी और घर में रहते थे, हमें घर वालों ने निकाल दिया था. तो मैं प्राची को लेके आता हूँ, फिर मम्मी मना कर देती हूँ, प्राची को हाथ पकड़ के मैं निकल जाता हूँ, आई टेक हर एंड देन आई लीव. सो दैट वाज वन सीन विच हिट होम. मुझे लगा कि यार इसमें तो एक्टिंग नहीं हुई, इसमें तो जज्बात ज्यादा टेक ओवर कर गया. सो दैट इज वन सीन आई रियली लाइक. किस तरह के सीन सबसे ज्यादा करने पसंद है? हंसने हंसाने वाले सीन बहुत. टेल मी अबाउट इट. ठीक है, अब केमिस्ट्री प्राची से बहुत अच्छी है. हाँ. We all know and we all love Ranveer and Prachi and Pranveer. तो outside set Krishna की life की Prachi कौन है? Outside set Krishna की life ही Prachi, सच बताऊं तो है ही नहीं. यार जोक्स अपार्ट यार, आउटसाइड सेट ऑनेस्टली पहले मेरे पास ये बहाना था कि मैं 30 के 30 दिन शूट करता हूँ, मैं काम में बहुत फोकस्ड हूँ, तो मेरे पास बिल्कुल वक्त नहीं है इन सब चीजों का, मैं अपना प्यार बांट नहीं सकता किसी और के साथ. फिर धीरे धीरे लाइफ में जब लोग आए भी, वो भी हुआ, इट डिडंट वर्क आउट दैट वेल. बॉम्बे जब से मैं आया हूँ तब से नॉट बीन इन रिलेशनशिप जहाँ पे मोहब्बत प्यार और बिल्कुल जहाँ मुझे दिख रहा है कि मैं इसके साथ ही बच्चों का नाम रखूंगा, मतलब बच्चों का नाम सोचा हुआ, वो नहीं है कभी. वही नहीं हुआ. सो रियल लाइफ में प्राची तो नहीं है मेरे पास अभी फिलहाल. पर अगर प्राची नहीं है तो अगर when you go out, अब अगर टाइम है, as you said कि पहले मैं 30 दिन काम करता था, 30 दिन काम नहीं करता, पर अगर अभी टाइम है, whom do you go out with, पार्टी करने या करने, कौन से वो क्लोज फ्रेंड्स है? क्लोज फ्रेंड्स हैं एपी, मेरी क्लोज फ्रेंड है. एपी इज अपर्णा मिश्रा जो एज एवरीवन नोस. हालांकि लोगों को लगता है कि हम दोनों गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड हैं. आई फॉलो यू, आई फॉलो एपी ऑन सोशल मीडिया, सो आई नो कि एक ग्रुप है जो बहुत चिढ़ता है कि हर टाइम एपी के साथ क्यों रहना है, हमारी मुग्धा क्यों नहीं है साथ में, और एक ग्रुप है जो बोलता है कि हाउ स्वीट हाउ क्यूट ये दोनों कितने अच्छे फ्रेंड्स हैं. ऑफ कोर्स यू गेट टू रीड बोथ साइड्स. हाउ डू यू गाइस टॉक अबाउट दिस, एंड इफ यू गाइस टॉक अबाउट दिस, डज इट अफेक्ट एनीवेयर? आई डोंट थिंक सो इट डज, बट डज इट? इट डजंट अफेक्ट दैट मच ऑनेस्टली, बिकॉज अब लोगों की मांग ये है, जो मतलब बहुत कम लोग हैं, वो ये कहते हैं कि अगर आप बाहर जाते हैं, अगर आप चिल करते हैं, तो आप मुग्धा के साथ क्यों नहीं चिल करते हैं? मुग्धा एक बहुत अच्छी घरेलू लड़की है. वो घर के नॉर्मल काम करती है, वो सब्जी खरीदती है, उसने बताया. उनकी लाइफ का जो चिलिंग है वो ये है कि आज खाना बनाते हैं. अच्छा, ठीक है. और हम दोनों बहुत अलग यूनिवर्स में रहते हैं. बहुत ही अजीब हो जाएगा अगर मैं मुग्धा को शाम को 6 बजे बोलूंगा, मुग्धा यार मैं घर के नीचे खड़ा हूं, आओ घूम के आते हैं. बोली घूमना क्या होता है कि नहीं, दैट इज नॉट हर जॉनर ऑफ फन, एज सिंपल एज दैट. वी आर वेरी डिफरेंट पीपल, सो दिस कैन नॉट हैपन. मैं और आपी हैं, हमें बाहर जाने में बहुत मजा आता है, हमें पार्टीज में बहुत मजा आता है, हमें लोगों से मिलने का बहुत मन करता है, हमें मन करता है कि हम कोई भी एडवेंचरस चीज साथ में करें, और हमारी वाइब भी वैसी दोस्तों वाली है ना. क्योंकि हम दोनों की उम्र भी सेम है. सो इसीलिए अब मैं ये चीज कैसे एक्सप्लेन करूं? बट यू हैव अ प्लेटफॉर्म फॉर दोस पीपल हू राइट थिंग्स ऑन सोशल मीडिया. सी, देयर विल ऑलवेज बी पीपल हू विल बी राइटिंग थिंग्स ऑन सोशल मीडिया. ऑलवेज बी पीपल. बुरा बस तब लगता है जब अगर इफ आई अपलोड सम वीडियो विद आपी और इफ आई अपलोड सम पिक्चर विद आपी. बट अगर मेरे माँ बाप कमेंट सेक्शन में चले गए, या फिर आपी के पेरेंट्स कमेंट, आपी के पेरेंट्स कमेंट सेक्शन में चले गए, या कोई भी तीसरा इंसान आया और उसने आके देखा, उनको अच्छा नहीं लगेगा. मुझे बस उस चीज से थोड़ा फर्क पड़ता है कि यार उनको ना बुरा लगे. ऑफकोर्स. डू यू रिमेंबर एनी ऑफ योर गुड रोमांटिक सीन्स वेयर यू थॉट यू नो ओ शाहरुख खान का एक सीन देखा था, ही वाज लाइक दिस. So, do you relate to those romantic scenes of Shahrukh Khan and then you do it? जब मैं शुरुआत कर रहा था कुमकुम में, मेरी जो एक्टिंग की परिभाषा है, लाइक यू सेड, मैं शाहरुख का बहुत बड़ा फैन हूँ, एंड दैट्स वेरी ट्रू. मैंने जो एक्टिंग सीखी थी वो मैंने जब शाहरुख खान को ओम शांति ओम में एक्टिंग करते हुए देखा था, तो उन्होंने बोला यार यही तो है, अगर रोना है तो ऐसे ही रोना है, अगर हंसना है तो ऐसे ही हंसना है, मम्मी यही है एक्टिंग. तो मैं ऐसा था. सो व्हेन आई केम टू कुमकुम एंड जब मेरे नाम तो सुना ही दिमाग में कि यही तरीका, मतलब ऐसे ही पास जाना होता है, वही चीजें करनी होती है. तो शुरुआत में मैंने बहुत इंस्पिरेशन ली वहां से, लेकिन धीरे धीरे जैसे आई रियलाइज एक्टिंग इज ऑल्सो योर ओन इमोशन, एक्टिंग इज ऑल्सो द वे यू आर, एक्टिंग इज ऑल्सो वॉट योर फीलिंग पर्सनली. जब मैंने वो रियलाइज करा तब जाके मेरे रोमांटिक सीन्स चेंज होने लगे. तो हम क्या करते थे रोमांटिक सीन्स में, प्राची और मेरे जितने भी रोमांटिक सीन थे उसमें, somehow it was not only romance, it was romance with a bit of fun. Do you want to imitate a scene for us? मैं वो डायलॉग तो कई बार सुना चुका हूँ, बट ओके. अगर किसी चीज को दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है, मेरी कायनात ने मुझे आपसे मिला दिया. थैंक्स
आई फील लाइक द किंग ऑफ द वर्ल्ड. So since now we've talked about Shah Rukh Khan and how you like romantic scenes and how you used to visualize Shah Rukh's way of romantic scenes. Yeah. Scenes se bahar chalte, real life mein aate. What is Krishna's idea of a romantic date? I want it to be very real. मैं चाहता हूँ बहुत सच्ची हो. सच्ची कैसे हो? मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ जहाँ पे प्रिटेंस ना हो पाए. मैं चाहता हूँ कि मैं स्काई डाइविंग करने चला जाऊँ उस लड़की के साथ. एक दिन उठूँ और बोलूँ सुबह सुबह लेट्स गो, लेट्स स्टे इन अ टेंट एंड गो टू स्काई डाइविंग. एंड व्हेन शी स्काई डाइव्स, तब मैं उसकी असली बातें सुनना चाहता हूँ कि उसको कैसा महसूस हो रहा है. कृष्णा, वो चीख रही होगी यार. वही तो सुनना है. This is your idea for romantic. Yeah, romantic. I want to do something real. I want to travel with someone. कि मतलब किसी एक दिन चले गए तुम ट्रेन पकड़ के कहीं बहुत दूर चले गए. And तुम एक बहुत real situation हो जहाँ पर उसको मजा भी आ रहा है, thrill भी है, adventure भी है, हम real भी हैं. मतलब there is no other way to be. Yeah. मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूँ. आप cool. हाँ, मतलब मेरी एक date कुछ 3-4 दिन चले तो मजा है. जिस हिसाब से मेरा plan है. So yeah. चल ठीक है, move करते हैं इन सब चीजों. What happens? क्या होता है ऑफ डे पे? सेंसर करना किसी से? नहीं नहीं, सर सर बताता हूँ. और इनफैक्ट अब तो मैं बताना चाहता हूँ लोगों की मैं ऑफ डे पे क्या करता हूँ. तो शुरुआत में क्या होता था, पहले जब 30 दिन काम करते थे तो अगर एक दो दिन छुट्टी मिल जाती थी ना तो उसमें सारे रोजमर्रा के जरूरी काम कर लेते थे. डॉक्टर के पास चले, बाल कटवाता हूँ, बाल कटा, ग्रूमिंग कर ली, कुछ ऐसा कर लिया जो बहुत टाइम से वेटिंग है. अब जब वक्त मिल रहा है तो मैं बस ये कोशिश कर रहा हूँ इवॉल्व एज अ पर्सन. एज इन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जो चीजें मेरे पास हैं, जो चीजें मेरे पास ऑलरेडी अकम्प्लिश कर चुका हूँ मैं, पर्सनैलिटी वाइज और विजडम वाइज और इमोशंस वाइज, हर चीज का ना स्पेक्ट्रम बढ़ा दो. तो वो स्पेक्ट्रम बढ़ाने के लिए आई एम ट्राइंग टू डू थिंग्स व्हिच आई नॉर्मली डोंट. जैसे मैं किताब कभी नहीं, आउट ऑफ कम्फर्ट जोन. यस, आउट ऑफ कम्फर्ट जोन. आई एम ट्राइंग टू मेक माई सेल्फ वेरी अनकम्फर्टेबल. देयर इज अ ट्रांजिशन दैट हैपेंस. या आई रेड समवेयर मैजिक हैपेंस आउटसाइड कम्फर्ट जोन. या सो आई एम ट्राइंग टू क्रिएट दैट मैजिक. तो आजकल मैं वो सारी विपरीत चीजें कर रहा हूँ जो अक्सर मैं नहीं करता. क्या कृष्णा के पास कोई सुपर पावर है? मेरे पास सुपर पावर? हाँ, मेरे को पता था कृष बनना था, बट डू यू हैव एनी सुपर पावर? माय सुपर पावर इज कि मैं किसी इंसान में नेगेटिव नहीं देख पाता. ठीक है, मुझे इंसानों से कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लोग बहुत अच्छे लगते हैं. तो हमारे डायरेक्टर थे, कुछ दिनों के लिए आए थे, वो नए नए आए थे, तो उन्होंने शुरुआत से नहीं देखा था मुझे. तो हम बैठे थे और बैठ के वो कहते हैं कि मैंने बोला सर ठीक कैसा मैंने शॉट ठीक किया. कहता हाँ मुझे पता लगाना है कुछ. क्या? कहता व्हाई आर यू सो नाइस, देयर इज समथिंग बिहाइंड इट. तू उनकी तरह मुंह बना रहा है. Is there any habit that annoys people around you? Your habit? My habit? This is that thing that annoys me. बहुत अच्छा है, लोगों को पसंद नहीं आती ये बात. नहीं नहीं, लोग बदलते भाई. गलत किस्म के लोगों के साथ चल कर रहा हूँ. वही है, मैं I cut very big slacks to people. मतलब मैं लोगों की गलतियां बहुत जल्दी माफ कर देता हूँ. मैं ग्रज नहीं होल्ड कर पाता हूँ ज्यादा देर तक. किसी की बुराई में शामिल नहीं हो पाता हूँ. अगर मेरे साथ इंसान ने कुछ खराब कर भी दिया ना तो मैं थोड़ा सा अपने आप वक्त लेके जस्टिफाई करके मैं तुझे गॉसिप करना पसंद नहीं है? बिल्कुल नहीं, नहीं पसंद. ऑनेस्ट टू गॉड आई हेट इट. दिस इज द मोस्ट, नो ऑफेंस टू पीपल जो करते हैं, नो ऑफेंस. इसलिए मैंने बोलते हैं नो ऑफेंस, ठीक है. लेकिन मुझे ना जब गॉसिप हो रही होती है मुझे बहुत वक्त जाया लगता है. मुझे लगता है ये जो आप वक्त जाया कर रहे हैं उसके बारे में बात करके ना, उससे अच्छा हमारे बारे में बात करते ना. आई जस्ट थिंक सिनर्स जज द अदर सिनर्स फॉर सिनिंग डिफरेंटली. Wow, that is something. Wow, अच्छा होगा ना? बहुत अच्छा बोला, बहुत बढ़िया. मुग्धा ने हमें बताया था, मैंने उससे पूछा कि मुग्धा कोई ब्यूटी टिप्स दो, तो मुग्धा ने बोला कि मैं तो बहुत नॉर्मल वो नारियल का तेल लगाती हूँ बस, मेरे से तो और कुछ है नहीं. कृष्णा बहुत कुछ करता है. बिफोर वी गो प्लीज टेल देम आपकी सुंदरता का राज क्या है कृष्णा. टेल देम द ब्यूटी टिप्स. ये लाइट बहुत अच्छी है, ये जो मेकअप हो रखा है ये है मेरी सुंदरता का राज. मुग्धा को जरूरत ही नहीं है, शी इज नेचुरली सो ब्यूटीफुल कि उसके जो अंदर है उसके चेहरे पे आ गया. एज सिंपल एज दैट. मैं ब्यूटी टिप्स आपको दे दूंगा, पानी पी लो, मॉइस्चराइजर लगा लो, पर वो सब बता देंगे, यूट्यूब पे मिल जाएगा. बट आई थिंक इफ योर सोल इज साफ, इफ योर हार्ट इज साफ, इफ यू थिंक नाइस अबाउट अदर पीपल, अगर तुम सिर्फ अच्छी अच्छी चीजें सोचो, अच्छी अच्छी चीजें करो, तो तुम्हारा चेहरा भी हैप्पी पीपल आर द प्रीटीस्ट. तुम भी तो बहुत खूबसूरत लग रहे हो भाई साहब. कृष्णा कैसा रहा पॉडकास्ट, कैसा मजा, चर्चा कैसी? बहुत मजा आया यार, बहुत ऑनेस्टली बहुत मजा आया. मुझे लिटरली नहीं पता चला कि टाइम की जल्दी निकल कैसे गया. एक्चुअली बहुत टाइम हो गया. हाँ, बहुत मजा आया. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट आई एम डूइंग इट विद समवन लाइक यू. मुझे लग रहा था तुम सिर्फ अच्छे टॉकर हो, बट तुम एक अच्छे लिसनर भी निकले. मुझे बोला क्या सुनने के लिए. थैंक यू मैन. थैंक यू, थैंक यू सो मच ब्रो. बहुत मजा आया कृष्णा. यस गाइस, प्लीज लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब, शेयर, डू एवरीथिंग फॉर बालाजी टेलीफिल्म. एंड बहुत सारा प्यार दीजिए और हमारे अमन को भी खुश कीजिए, बहुत मेहनत कर रहा है. तो प्लीज लेट्स किल इट. एंड थैंक यू सो मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस अमेजिंग जर्नी. कीप वॉचिंग कुमकुम भाग्य. कीप वॉचिंग भाग्यलक्ष्मी.